नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा में जारी गतिरोध पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई कड़ी नाराजगी। सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सदन में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन। विभाग संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश। भारी उद्योग समेत कई मंत्रालयों के पत्र भी पेश। राज्यसभा में दिवंगत पूर्व सदस्यों एन राजंगम और जय नारायण प्रसाद निषाद को श्रद्धांजलि। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दिवंगत सदस्यों के योगदान को किया याद। दिवंगत सदस्यों के सम्मान में सदन में कुछ पलों का मौन। कावेरी समेत कई और मुद्दे पर अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से बार बार सदन चलाने की अपील की, बावजूद इसके सदन में गतिरोध बना रहा, जिसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कावेरी समेत दूसरे मुद्दों पर अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार को भी बाधित रही। सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने और सभा पटल पर अहम पत्र रखे जाने के बाद सभापति ने सदन को जानकारी दी कि कुछ सदस्यों ने नियम 267 के तहत स्थगन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने स्थगन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सदस्यों को किसी दूसरे नियम के तहत इन मामलों को उठाने की बात कही। Notice under Rule 267 for suspension of rules. I have deserved it. They can raise it under other rules. सभापति की अपील को नजरअंदाज करते हुए AIADMK के सदस्य हाथों में तख्तियां लिए सभापति के आसन के करीब आ गए। सभापति ने अवरोध शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की, लेकिन सदस्य नारे लगाते रहे। As nobody seems to be interested. I have no other option other than adjourning the house for the day. The house is adjourned to meet at 11 AM tomorrow. सभापति की बार-बार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार सभापति एम वेंकैया नायडू को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। पंचानन मिश्र, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में जारी गतिरोध पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने बार-बार कार्यवाही के बाधित होने पर गंभीर चिंता जताई है। संसदीय मामलों के मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुई बैठक में सभापति ने कहा कि बार बार गतिरोध पैदा करने और कामकाज को बाधित किए जाने के चलते उन्हें मजबूरन कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद से सदन में लगातार गतिरोध हो रहा है। सभापति ने यह साफ किया है कि सदन में कामकाज को सुचारू रूप से चलाना सरकार और सदन के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी सांसदों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने सदन में कई अहम विधेयकों के लिए समय आवंटित किया है। सभापति ने कहा कि सदन में मूल्य वृद्धि, कृषि क्षेत्र की चिंताओं, कावेरी जल मुद्दे, राफेल सौदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की अनुमति के बावजूद बहस नहीं हो पा रही है। सभापति ने कहा कि सरकार और विपक्षी दल की ओर से कार्यवाही चलाने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद सदन नहीं चल पा रहा है। उन्होंने सभी पक्षों से तत्काल मतभेद भुलाकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। और राज्यसभा में आज दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में दिवंगत पूर्व सदस्य एन राजंगम और जय नारायण प्रसाद निषाद के निधन की जानकारी दी। दो दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा गया। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में दिवंगत पूर्व सदस्य एम राजंगम के निधन की जानकारी दी। 22 जनवरी 2018 एट द एज ऑफ 97 इयर्स, बोर्न इन दिसंबर 1920 एट कडलूर इन तमिलनाडु। श्री राजंगम वाज एजुकेटेड एट द मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई एंड द अन्नामलई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। ए टीचर, श्री राजंगम worked assiduously for the upliftment of the weaker sections of the society. He served as an advisor to the Scheduled Caste Scheduled Tribes Association, South Arcot District.
श्री राजंगम स्टार्टेड हिज लेजिस्लेटिव करियर एज अ मेंबर ऑफ द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिमेंड इट्स मेंबर फॉर थ्री टर्म्स फ्रॉम 1962 टू 67, 67 टू 71 एंड अगेन फ्रॉम 71 टू 76. ही ऑल्सो सर्व्ड एज मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम 1974 टू 76. श्री राजंगम रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन दिस हाउस फ्रॉम एप्रिल 1984 टू एप्रिल 1990. इन द पासिंग अवे ऑफ श्री एन राजंगम द कंट्री हैज लॉस्ट एन एबल पार्लियामेंटेरियन एंड ए डेडिकेटेड सोशल वर्कर. सभापति ने सदन में दिवंगत पूर्व सदस्य जय नारायण प्रसाद निषाद के निधन की भी जानकारी दी. श्री जय नारायण निषाद passed away on 24th December 2018 at the age of 88 years. Born in November 1930 at Atasraganj in Vaishali district of Bihar, Sri Nishadji was educated at Bhopal, Madhya Pradesh. An ex-serviceman, an agriculturist and a social worker, Sri Nishad participated in the freedom movement. He formed the Yuvak Morcha in 1969 and worked for the upliftment of the backward class of the society, creating political, social and educational awareness among the weaker and deprived sections of the society and for securing them social justice. He served as the chairman of the Hajipur municipality from 1972 to 1989. Sri Jainaran Prasad Nishad started his legislative career as a member of the 11th Lok Sabha in 1996. And went on to serve as a member of the 12th, 13th, and 15th Lok Sabha. He served in the Union Council of Ministers from June 1996 to February 1997, and again from February 1997 to January 1998. Sri Jainaran Prasad Nishad represented the state of Bihar in this house from July 2004 to March 2008. In the passing away of Sri Jainaran Prasad Nishad, the country has lost a veteran freedom fighter and a distinguished parliamentarian, an able administrator and a dedicated social worker. दोनों दिवंगत सदस्यों के सम्मान में सदन में कुछ पलों का मौन रखा गया. पंचानन मिश्र, राज्यसभा टीवी. राज्यसभा में आज कई अहम मंत्रालय से जुड़े पत्र पेश किए गए. संबंधित मामलों के मंत्रियों ने इन पत्रों को सभापटल पर रखा. वहीं कई समितियों से जुड़ा प्रतिवेदन भी पेश किया गया. दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन में कई अहम मंत्रालयों से जुड़े पत्र पेश किए गए. केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा. पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल. श्री अनंत गीते. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के लिए पत्र पेश किए. डॉक्टर जितेंद्र सिंह. चेयरमैन सर, विद योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीडीए नंबर 2 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस. थैंक यू चेयरमैन सर. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा. हरदीप सिंह पुरी. सर, विद योर परमिशन आई राइज टू ले द पेपर्स लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम at serial number 3 in today's revised list of business. केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर पेश किया. श्री कृष्णपाल. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं. केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा. श्री सुदर्शन भगत. महोदय, मैं सीरियल नंबर 5 पर मेरे नाम के सामने दिखाए गए कागजात सदन के पटल पर. केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर पेश किया. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित अनुसार कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ. केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा. डॉक्टर सत्यपाल सिंह. सदन में विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए गए. सांसद सीपी ठाकुर ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश किया. सर, आई राइज टू प्रेजेंट द 155th रिपोर्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी
of the Committee on Papers laid on the table, Rajya Sabha, on delayed laying of annual reports and audited accounts of Indian Institute of Mass Communication and Security Printing and Minting Corporation of India Limited. वहीं सांसद राम शकल ने कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश किया। सभापति महोदय, मेरे नाम के आगे उल्लेखित खान मंत्रालय के संबंध में जिला खनिज प्रतिष्ठान और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन संबंधी कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी सभापटल पर रखता हूँ। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ राज्यसभा समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।